ज़मीन करबला पर आज हुसैन ने अपनी शहादत से पहले पेश किया है तारीख इंसानियत में कयामत तक ऐसी कुर्बानियां दुनिया न देख सकेगी और न कोई पेश कर सकेगा। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक शख्स जो उम्र के 52वें साल में पहुंच चुका है, किस तरह से उसने अपने दिल को संभाला होगा जब उसके बचपन का साथी हबीब ने मुजाहिर उसके सामने दम तोड़ रहा था। कैसे अपने दिल को संभाला होगा जब मुस्लिम ने औसजा जैसा दोस्त और चाहने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। कैसे उसने अपने दिल को संभाला होगा जब जुहैर और सईद दुनिया से रुखसत हो गए। ए अजीजो, ये दोस्त थे, ये असहाब थे कि जिन्हें हुसैन खुदा हाफिज कह रहे थे, लेकिन हर एक की शहादत पर हुसैन की आंखों से आंसू बह रहा था, हुसैन रो रहे थे। अब जरा सोचो, इतने लाशें अपने दोस्तों और चाहने वालों को उठाने के बाद वो किस तरह से आए और औनो मोहम्मद जैसे भांजू के लाशों को वो किस तरह से आए जो अपने भाई की निशानी कासिम के टुकड़े टुकड़े हुए जिस्म को समेटे, किस तरह से आए
जो 32 बरस के भाई अब्बास के कटे हुए शानों को समेटे, हे अरबाब अज़ा हुसैन मैदान करबला में अपनी शहादत से कब्र इस तरह से मैदान में आते रहे और उनके चाहने वालों और शहीदों के लाशों को उठाते रहे, जिसमें आता है कुल्लाते रहे, अल्लाह अल्लाह अजीम मंजिल थी अरबाब अज़ा। वो वक्त आ गया कि जब सब जामे शहादत नोश किए हुए जमीन करबला पर पड़े हुए हैं, हत्ता ये कि 18 बरस का कलियत जवान भी बच्ची का फुलखा के बाप की निगाहों के सामने एड़िया नगर नगर के दुनिया से रुखसत हो गया, लाश को उठा के किसी सूरत से ज़हनब के हमरा और बच्चों के हमरा खैमे में ला के रख दिया। मातम हो रहा था, अब कौन बचा है, अब कोई नहीं रह गया, एक बीमार करबला सैयद सज्जाद है और एक 6 महीने का बच्चा है जो झूले के अंदर है। हुसैन फिर एक बार मैदान में आ गए, अब तनो तनहा थे हुसैन आए, लेकिन आने के बाद ऐसा न था कि इमाम ने हमला कर दिया हो, ऐसा न था कि फौजों पर तलवार निकल पड़ी हो, बल्कि आने के बाद हुसैन इब्ने अली ने अपने रहबार पर बैठकर एक बार दाहिनी जानिब देखा, दूसरी तरफ बाईं जानिब देखा, और जब देखा कि चाहने वाले सर कटाए हुए जमीन करबला पर पड़े हुए हैं आराम कर रहे हैं, तो एक बार आवाज बुलंद की, करबला की फजा में गूंजी, हल मिन नासिरिन सुना, हल मिन मुगीसिन सुना, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए, है कोई जो मेरी नुसरत के लिए आए। मेरे अजीजों जरा इस जुमले पर तो गौर करो, अब तक हुसैन ने यह जुमला न कहा था, जब तक हबीब थे, जब तक जुहैर थे, जब तक सईद थे, जब तक चाहने वाले थे, जब तक अब्बास जैसा भाई मौजूद था, कासिम जैसा भतीजा मौजूद था, अली अकबर जैसा कलीजा जवान मौजूद था, हुसैन ने मदद के लिए नहीं पुकारा, हुसैन ने नुसरत के लिए नहीं पुकारा, अब थोड़ी देर के लिए जरा करबला के मैदान में आओ और देखो के चारों तरफ लाशें पड़े हुए है, कोई नहीं सिवाय दुश्मनों के जो जान लेने पर आबादा है। एक पुरुष से फरस पर वो शख्स बैठा हुआ है जिसने अपने हाथों से अपने जवानों का लाशा उठाया है। अल्लाह एक बार फजाए करबला पर नजर उसने डाली तो दुश्मनों के अलावा कोई नजर नहीं आया। कितनी तड़प है, बेचैनी है इस जुमले में, हल मिन नासिरिन सुना, अरे क्या कोई है जो मेरी नुसरत के लिए आए, हल मिन मुगीसिन सुना, अरे क्या कोई है जो इस तन्हा जख्म खाए हुए एक मजलूम बाप की मदद के लिए आए। न जाने कितना असर था आवाज में कि जमीने करबला पर वो लाशें तड़पने लगे जिसके जिस्म से सर जुदा कर दिया गया। आवाज का बुलंद होना था कि यह आवाज जैसे फजाए करबला में गूंजी, खैमाए हुसैनी में भी पहुंच गई। अल्लाह, बस आवाज का पहुंचना था कि 6 महीने के बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। ये बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा था। अब तक बीबियां सुन रही थीं, लेकिन खैमे में रोने की आवाज नहीं बुलंद हो रही थी। बस एक बार बच्चे ने अपने को झूले से तड़प के गिराया, बीबियां रोने लगी, तड़प तड़प के रोने लगी, आवाज बुलंद हो गई। हुसैन के कानों में आई कि खैमे से रोने की आवाज आ रही है, पलट के खैमे की तरफ आए, आवाज दी, ज़ैनबो में कुलसूम, ए बहन अभी तो हुसैन जिंदा है, इस तरह से तड़प के रो
रोने की वजह क्या है? कहा भैया आपकी आवाज इस्तगासा सुन के बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया है। हुसैन समझ गए, बच्चे को लेके गए, लाओ मैं बच्चे को ले जाऊं सराब करा के लाऊं, ये भी प्यासा है ए अरबाबे अजाब। हुसैन आए, बच्चा भी वापस आया, लेकिन वह बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था, तीर से शोभा का जख्म लग चुका था। हुसैन आए, माँ के हवाले कर दिया, माँ ने आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिए। हुसैन बच्चे को लेके आए, छोटी सी कब्र बना दी, बच्चे को दफन कर दिया, सिर्फ इस लिहाज से दफन कर दिया, ऐसा न हो कि मेरी शहादत के बाद लाशों को पामाल किया जाए, उस बच्चे की भी लाशें को पामाल कर दिया जाए। अरबाबे अज़ा हुसैन ने बच्चे को रुखसत कर दिया, सुपुर्दे लहद कर दिया। अब फिर खैमे के दर पर आए और आने के बाद आवाज दी, ए रुकैया, ए रबाब, ए माँ की कनीज फिजा, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ए सकीना, सलाम आखिर कबूल कर लो, बस इस आवाज का बुलंद होना था। ए अरबाब अल्लाह, जैसे बेबियां बेचैन हो गई, तड़प गई, अरे मेरा आका आया है, मेरा मौला आया है, सलाम आखिर कह रहे हैं, यानी हुसैन भी अब रुखसत होने वाले है। बुढ़ा आवाज का बुलंद होना था कि सब के सब जमा होने लगी खैमों के अंदर। हुसैन अंदर दाखिल हो गए, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। अरबाबे अज़ा बीबियां मातम कर रही थी, रो रही थी, अब कौन रह गया है? एक आका था जिसका सहारा था, वो भी रुखसत आखिर के लिए आया है। अरबाबे अज़ा हुसैन बीबियों से रुखसत होना चाहते थे, लेकिन आलम ये था कोई कदमों से लिपटा जा रहा था, कोई दर्द से लिपटा जा रहा था। इन रोने वालों में वो बच्ची भी थी जो हुसैन के सीने पर सोती थी, बाबा अरे आप भी रुखसत हो रहे हैं। बाबा सकीना किसके सीने पर सोएगी? अजीब मंजर था अरबाबे अज़ा, जब हुसैन ने देखा कि बीबियां रुखसत नहीं कर रही है, एक बार शहजादी ज़ैनब को बुलाया, बहन ज़ैनब को बुलाया, शहजादी करीब आई, कहा बहन बहन मेरे साथ आप आइए। न जाने ज़ैनब से तन्हाई में हुसैन ने क्या कहा। अरबाबे अज़ा अब यह आलम है कि हुसैन पीछे पीछे चल रहे थे, ज़ैनब आगे आगे आ रही थी, और आने के बाद कहने लगी, ए बीबियों मेरे माजाए को रुखसत कर दो, मेरे माजाए को खुदा हाफिज कह दो। ज़ैनब का कहना था, एक बार खुदा हाफिज की आवाज बुलंद होने लगी, फरजंदे ज़हरा खुदा हाफिज से ए अरबाबे अज़ा। उसके बाद जनाब ज़ैनब से पैगंबर ने फरमाया, बहन ज़ैनब चलो जरा सैयद सज्जाद से रुखसत हो ले। ए अरबाबे अज़ा हुसैन के मातमदारों, सैयद सज्जाद के खैमे में शहजादी हुसैन को लेके आई, खैमे का पर्दा उठाया, हुसैन अंदर दाखिल हुए, आबिदे बीमार बिस्तर मर्ज पे लेटे हुए हैं, नींद गशी का आलम है। एक बार फूफी आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद सैयद सज्जाद को आवाज दी, बेटा आगे खोलो, तुम्हारा बाबा आया है रुखसत होने के लिए। एक बार शाने को हिलाया, ए बेटा सैयद सज्जाद जरा देखो, आंखों को खोलो, तुम्हारा बाबा आया है। शानों का हिलाना था कि सैयद सज्जाद ने एक बार आंखें खोली तो अजीब मंजर देखा, देखा सामने बाबा खड़ा हुआ है, जख्मों से चूर है, खून बह रहा है, लिबास खून आलूदा हो गया, चेहरे पर नजर गई तो देखा कि चेहरे पर खून बने हुए है, बेचैन हो गए। ए बाबा ये क्या आलम है, ये किस आलम में आप आए हैं? अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने कहा सैयद सज्जाद सब शहीद हो चुके हैं, बस ये सुनना था कि बात तड़प के कहते हैं बाबा ऐना ऐना अबू अब्बास, ऐना ऐना अली हैदर, ऐना ऐना कासिम। हुसैन हर एक की शहादत की खबर देते जा रहे थे, कहने लगे भाई ये समझो कि खैमे में तुम हो या मैं हूं, अब कोई नहीं रह गया सैयद सज्जाद। ए अरबाबे अज़ा ये सुनना था
एक बार बीमार ने उठने की कोशिश की लेकिन उठा न गया, उठा न गया, कोनियों का सहारा दिया, सहारा दे के बैठना चाहते थे। अल्लाह आवाज दी, पुपी अम्मा जरा मुझे बिठाइए, सहारा दीजिए। जब बिठाया, कहा पुपी अम्मा मेरा आशा कहाँ है, कहा बेटा आशा क्या करोगे, कहा मेरा बाबा तन्हा है। पुपी अम्मा वो वक्त नुसरत है, मैं बाबा की नुसरत के लिए जाऊंगा। ए अरबाब आजा, ये सुनना था कि एक बार हुसैन ने शहजादी से फरमाया, बहन ज़ैनब सैयद सज्जाद को संभालिए। सैयद सज्जाद उसे मुखातब होके कहा, बेटा अभी बड़ी सख्त मंजिलें हैं सैयद सज्जाद तुम्हारे लिए। ए सैयद सज्जाद तैयार हो जाओ, हाथों में हथकड़ियां होंगी, पैरों में बेड़ियां होंगी। ए सैयद सज्जाद तुम काफिला सालार होगे, ये वो काफिला होगा कि जिस काफिले से बीवियों के सरों पर चादरें न होगी। ए सैयद सज्जाद इस काफिले को लेके जाना है, और ए बेटा सैयद सज्जाद जब तुम मदीने पहुंचना तो मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कहना, और कहना काश रोज़े आशूरा तुम कर्बला में होते और देखते के तुम्हारा इमाम अपने छह महीने के बच्चे के लिए किस तरह सवाल आप कर रहा है। ए सैयद सज्जाद कह देना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद। अल्लाह न रुलाए आपको किसी घर पे सरवाए। अजीब मुसीबत की घड़ी थी ज़मीने कर्बला पर। हुसैन रुखसत हुए, रुखसत होके दरे खैमा पर आए, बहन ने बढ़ के खैमे का पर्दा उठाया, पर्दा उठाया, हुसैन बाहर आए खैमे से, ज़ुलजना तैयार खड़ा हुआ था। एक बार आए, दाहिना हाथ पुश्त फरस पर रखा, और रखने के बाद दाहिनी जानी देखा, माई जानी देखा, अजीब हसरत से आवाज दी, ए शरीफ साधो, ए बेटे शुजात के शेरों, तुम्हारा इमाम तन्हा है, तुम कहाँ हो। मैं ये सुनना था कि ज़ैनब ने फरमाया, भैया मैं जानती हूँ कि जब सवार होते थे आप तो कोई रकाब संभालता था, कोई नजाबे फरज संभालता था, भैया किसी की पुश्त पर सहारा देते, आप पुश्त फरज पर सवार होते थे। ए भैया ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ए भाई अरे ज़ैनब जैसी बहन मौजूद है, ये कह के करीब आई और एक बार कहा, भैया अरे मैं रकाब संभालती हूँ, पैर रखो मेरे कांधे पर सहारा दे के पुश्ते फर्ज पर सवार हो। ए अजीजो अरे ज़ैनब ने भाई को सवार किया, खुदा हाफिज कहा, हुसैन कतलगाह की तरफ पढ़े कि एक बार ज़ुलजना खड़ा हो गया। हुसैन ने कहा कि तूने बड़ा साथ दिया है, ये मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल है, मैं जानता हूँ भी प्यासा है। मैं ये सुनना था कि एक बार वफादार ने अपना सर नीचे किया, जब नीचे किया तो हुसैन ने देखा ज़ुलजना के पास वो बेटी खड़ी है जो सीने पर सोती थी। अरे घोड़े से उतर आए, सकीना को सीने से लगा लिया। ए मेरा लाल, तुमने तो बाबा को रुख्सत कर दिया था, अब आने की वजह क्या है। ए अरबाब अदा, अजीब बच्ची थी, तड़प के कहा, कहा बाबा रुख्सत तो कर दिया था, आप जा रहे हैं। ए बाबा अब बताइए आपके बाद किसके सोने सीने पर सोऊंगी। कौन है बाबा जो मोहब्बत और शफ़क़त से अपने सीने पर सुलाएगा। ए अरबाब अदा, ज़ैनब को ज़ैनब से सकीना को सब
رخصت کیا فرزند زہرا میدان قتال میں آ گیا خطبہ ارشاد فرمایا ایک بار پھر اپنی معرفت کرائی لیکن ارباب ادا دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا حسین کو اللہ اللہ مگر اس عالم میں حسین نے جس طرح سے حملہ کیا ہے نہ پوچھئے تبری کی طرح آیت ہے کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ حسین تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ شخص میدان جنگ میں آیا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے کڑیے جوان کا لاشا اٹھا سکتا ہے آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو پہلے حملے میں کہو بیٹا علی اکبر یہ تمہاری طرف سے حملہ کر رہا ہوں یہ تمہاری طرف سے حملہ کر رہا ہوں 300 سے زیادہ دشمنوں کو تحت کر دیا اور دوسری بات جو کہا ہے سن نہ سکو گے ایک بار عباس کی لاش کی طرف مڑے کہا بھیا عباس ارے بڑی تمنا تھی جنگ کرنے کی تمہیں میں نے اجازت نہ دی عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے کر رہا ہوں اور جب حملہ کیا ہے تو 40,000 سے زیادہ دشمنوں کے سر جسم سے اتار دیے کہا بھیا عباس یہ تمہاری طرف سے حملہ تھا اے ارباب اعضا مقاتل لکھتے ہیں کہ فوج بھاگ رہی تھی میدان چھوڑ رہی تھی ہر طرف سے آواز آنے لگی ارمان ارمان یا حسین ارمان یا حسین ارمان کی صدا بلند ہونا تھی کہ ایک بار حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اللہ اللہ منادی نے ندا دی حسین وعدے طفلی کو پورا کر دو وعدہ تھا آواز کا کہ نکلی ہوئی تلوار نیام میں آ گئی بیٹھ گئے زخموں سے چور پشت فرس پہ بیٹھے ہوئے بھاگی ہوئی فوج پھر ایک بار چاروں طرف سے حسین کو گھیرنے لگی اے ارباب عزا ایک ایک کر کے کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے سامنے آتے سب طرف سے گھیر لیا فرزند زہرا کو گھیرا کسے گھیرا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا کسے گھیرا جو صبح سے لاش و پلاش اٹھا رہا تھا کسے گھیرا جس نے 6 مہینے کے بچے کی لاش کو کچھ دیر پہلے سپرد لحد کیا ہے اے ارباب عزا بگھیرنا تھا کہ نہ پوچھئے کسی طرف سے تیر آنے لگے کسی طرف سے نیزے چلنے لگے کسی طرف سے تلواریں چلنے لگی ارباب عزا ہرملا سے کسی نے پوچھا کہ کربلا میں کتنے تیر چلائے تھے اس نے کہا 4 تیر چلائے تھے ایک تیر خطا ہوا تھا پہلا تیر عباس کے مشکی سے پلٹا تھا دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا تھا اور تیسرا اور تیر حسین کی پیشانی بڑھا کے پیوست ہو گیا تھا اے ارباب عزا جب ہر طرف سے تیر چلنے لگے کبھی پیشانی پر لگا کبھی حلق مبارک پر لگا کبھی ہونٹوں پر آ کے لگا بس اس طرح سے کہ چاروں طرف جس میں تیر ہی تیر چبے ہوئے تھے اللہ فرزند زہرا اب گھوڑے کی پشت پر سبل نہیں پا رہا ہے تلوار کا سہارا دیتے تھے پھر گر جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اس نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ حسین آخری حملہ کرنا چاہتے ہیں جب میں قریب آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا اتنے تیر حسین کو لگے تھے کہ جب حسین تیورا کے زمین پر گرتے تھے تو سینے کا تیر پشت پہ نکل آتا تھا ارے کھڑے ہوتے تھے تڑک کے پشت کے بل گرتے تھے تو پشت پہ لگے ہوئے تیر سینے
मिंबर पर निकल आते थे वो कहता है कि इसी आलम में हुसैन एक बार जमीने करबला पर बैठ गए, जमीने करबला पर बैठ गए, सर को निहुड़ा लिया, झुका लिया। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर हुई तो फौजों में ये शोर मचने लगा कि हुसैन अब जिंदा रही है, दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लेकिन कोई जवाब हुसैन की तरफ से न मिला कि एक बार शिमर ने कहा कि देखना चाहते हो कि हुसैन जिंदा है या दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कहा क्या, कैसे पता चलेगा? कहा अपने बाप ने घोड़ों की बागों को खाने की तरफ तोड़ दो, हुसैन शरीफ जादे हैं, इस आलम में भी ये बर्दाश्त न करेंगे कि हयाते हुसैन ने उनके खैमे लूटे जाए, उनके खैमे में दुश्मन घुस जाए। बालूजो ये सुनना था कि एक बार हुसैन ने गर्दन उठाई कहा अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। बार बार बेअज़ा ये सुनना था कि फिर एक बार फौजें आ गई और अब मकातिल वो मंजर बयान करती है कि मैं आपके सामने खड़ी सकता हूँ। अरे जालिम बोले तलवार पे तलवार लगाना शुरू कर दी, नैनों पर नैने लगाना शुरू कर दिए। हुसैन का ये आलम है कि अब सजदे में सर रख रहे हैं। एक बार शिमर आगे बढ़ा, कहा कि हुसैन मुझे जल्दी से तुम्हारे सर पर जुदा करना है। कहा शिमर मैं नमाज पढ़ने में भी अदा कर लेने दे, खालिक की बारगाह में अगला सजदा पे आखिरी सजदा कर लेने दे। अरबाब अज़ा हुसैन ने सजदे में सर तो रख दिया, लेकिन अब जब सर सजदे Yeah.